जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सलमान खान उन कलाकारों में से एक हैं भारत के जिनकी ये फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन पिछले कुछ समय में सलमान खान ने लगातार इस तरह की मूवीज दी हैं जिनकी के बाद में लोग उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही शक करने लगे थे। इनमें अंतिम, ट्यूबलाइट, राधे, रेस 3 जैसी मूवीज शामिल हैं। रेस 3 ने हालांकि बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन अच्छा किया था, पर क्रिटिकली उसको अक्लेम नहीं किया गया था और दर्शकों ने भी उसको एक सिर दुखाऊ मूवी बताया था। ऐसे में राधे को भी हम नहीं भूल सकते, योर मोस्ट वांटेड भाई, जो कि आंशिक रूप से थिएटर्स में रिलीज हुई थी, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर बोल दिया था कि यार ये मूवी वाकई में कुछ ज्यादा ही। अब ऐसे में अपने चिरपरिचित अंदाज में किसी का भाई किसी की जान, जो कि एक साउथ मूवी की रीमेक भी बताई जा रही है, इसको लेकर सलमान खान जल्द ही आपके आसपास के सिनेमाघरों में दस्तक देने वाले हैं। इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और इस वीडियो में हम लोग इस मूवी की एडवांस बुकिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। करीब 4 साल के लंबे गैप के बाद सलमान खान स्टारर मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली। एक बार फिर से सलमान खान के फैंस ईद पर उनकी फिल्म को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं। सलमान खान के साथ इस फिल्म में पहली बार पूजा हेगड़े लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ रही। किसी का भाई किसी की जान को रिलीज होने में महज 3 दिन बचे हैं और फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर खूब बातें भी चल रही। सलमान खान की इस फिल्म को लेकर शुरुआत से ही चर्चा है कि अब जैसे जैसे रिलीज का वक्त करीब आ रहा है, फिल्म की टिकट बुकिंग भी और ज्यादा तेज होती जाएगी। फरहाद सामजी के द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म का प्रोडक्शन सलमान खान फिल्म्स और जी स्टूडियोज ने मिलकर किया है। अब इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक सलमान खान की इस फिल्म के कितने टिकट बिके हैं। दरअसल सलमान खान की यह फिल्म 4 साल बाद रिलीज हो रही है और इंडस्ट्री के लोगों से लेकर उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने वाली। बताया जा रहा है कि सलमान खान की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के लिए टिकट खिड़की सोमवार से खोली गई। फिल्म का बॉक्स ऑफिस बताने वाली साइट सेकनेक पर बताया जा रहा है कि सलमान खान की इस फिल्म के लिए पहले दिन की एडवांस बुकिंग करीब करीब 1 करोड़ रुपए की हुई। जहां तक फिल्म के लिए बेचे गए कुल टिकटों की बात है तो वो करीब 50,000 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि ये डेटा एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है और अभी इसका एग्जैक्ट डेटा सामने नहीं आया है। सलमान खान, पूजा हेगड़े, भूमिका चावला, शहनाज गिल, पलक तिवारी, राघव जुयाल, वेंकटेश दुग्गुबत्ती, जगपति बाबू, रामचरण जैसे सितारों से सजी ये फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की बम्पर एडवांस बुकिंग हो रही है और मुंबई का आइकॉनिक गेटी गैलेक्सी थिएटर इस बात का सबूत है। बताया जा रहा है कि सिनेमा हॉल में फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी तेजी से हो रही है। हालांकि एडवांस बुकिंग को लेकर कंफर्म डेटा अभी तक किसी का भी सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि इस सिनेमा हॉल में एक दिन में 1200 से ज्यादा टिकट्स की एडवांस बुकिंग हुई। बताते चलें कि हाल ही में 25 जनवरी को रिलीज हुई शाहरुख खान की पठान ने एडवांस बुकिंग के नाम पर तगड़ी कमाई करी थी। शाहरुख भी करीब 4 साल के गैप के बाद बड़े पर्दे पर नजर आए और बताया गया कि पहले वीकेंड में इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर डाली थी। सैकनल की ही रिपोर्ट में बताया गया था कि पठान ने एडवांस बुकिंग से ओपनिंग डे के लिए 20 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। कहा जा रहा था कि दिल्ली और मुंबई में पहले दिन के लिए जबरदस्त बुकिंग भी हुई थी। ऐसे में सलमान खान के सामने इस समय शाहरुख खान के कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं। हालांकि कोई भी मूवी रिकॉर्ड्स के लिए नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो रिकॉर्ड बनाती है तो ये उस मूवी की यूएसपी में कुछ ना कुछ पॉइंट्स जोड़ने का ही काम करते हैं। अब ऐसे में कहने वाली बात नहीं है, पर समझना ये पड़ेगा कि जिस तरीके से अब एडवांस बुकिंग किसी का भाई किसी की जान के लिए हो रही है, अगर ये रिकॉर्ड तोड़ती है तो अच्छा रहेगा और ये सलमान खान की मूवी को बम्पर हिट कराने में मदद करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सलमान खान को निराश भी होना पड़ सकता है, लेकिन उसकी संभावना काफ़ी कम लग रही है, क्योंकि ये मूवी एक कंप्लीट फैमिली ड्रामा एंटरटेनिंग मूवी है जिसमें कि काफ़ी सारे पहलू हैं और सबसे बड़ी बात, साउथ का सिर्फ टच नहीं बल्कि पूरा का पूरा तड़का डाल दिया गया, मतलब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी इन्वॉल्व कर लिया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर सलमान की मूवी किस तरीके से परफॉर्म करती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।